जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडे टॉपिक इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कोई भी चीज़ सेल करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, और जब सेल कर रहे हैं तो हमें साथ साथ क्या चीज़ों को फोकस रखना चाहिए। ये बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त, हम बीइंग एज पाकिस्तानी, हम लोग क्या सोचते हैं जी, आई जस्ट वांटेड टू सेल ऑन अमेज़न, ईबे और कहीं भी, and what they do is just create and get an account and start listing the product and product hunting kar li and just start selling the product basically. But usme bahut sari cheeze hain jo ki ek badi important factor hai ke matlab sabse bada step hai ki we need to define ki main kis audience ko target karu, because selling is not really a rocket science, but actually usko how do you stand out in front of the crowd is actually the main thing. aapne dekhna meri audience kon hai, kya main bachchon ko target kar raha hu, kya meri adults targets hain, 20 se 30 saal ke logon ko kar raha hu ya 30 se 40 ki niche hai ya 40 se 60 ki niche hai, and so onwards. you need to define ke meri audience kon hai, and then you need to plan ki kya meri packaging kis tarah ki honi chahiye, मेरी लुक एंड फील प्रोडक्ट पेज का कैसा होना चाहिए, मेरी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, और मेरे बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें, मेरे ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन योर ऑडियंस. एंड वंस यू नो ऑब्वियसली कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, देन यू नीड टू कम अप विद द अप्रोप्रिएट वे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो टीन्स को टारगेट कर रही है, राइट, सो यू नीड टू मेक श्योर कि जी ब्राइट कलर एड्स हों, जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, या आप वेबसाइट बना रहे हैं या ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी, नीड्स टू मेक श्योर कि इट्स लाइवली, राइट, सो इट्स फॉर द टीन, सो इट्स जस्ट गेट देयर अट्रैक्शन. सो आई मीन आप ने ऑब्वियसली यू आर एडिंग योर सेल्फ इन टू वेरी कंपेटिटिव मार्केट विच इज़ ई कॉमर्स, सो यू नीड टू बी इनोवेटिव. ये नहीं करना कि मैंने बस देखा कि यार कुछ चल कौन सी रही है प्रोडक्ट, उसको कॉपी कर लिया एंड देन जस्ट स्टार्ट सेलिंग दैट सेम प्रोडक्ट. आपने देखना है कि उसकी चीज़ क्या मिसिंग है. सो इफ़ यू फॉर एग्जांपल स्टार्ट टू सेल टम्बलर, राइट, यू आर सीइंग यार कि अगर मैं टम्बलर बेचना चाहता हूँ तो आखिर क्या चीज़ इसमें मज़ीद इनोवेट कर सकता हूँ, क्या चीज़ मज़ीद ऐड कर सकता हूँ. आपने अक्सर देखा होगा देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड येटी, राइट, सो अगर आप उसकी सेल देखें, इट्स क्रेजी सेल, एंड यू से यार मैं भी ये सेल करना चाहता हूँ, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स. सो आपको देखना चाहिए क्या चीज़ मज़ीद उसमें ऐसी ऐड की जाए जो कि इट विल बी एडिशनल बोनस फॉर द पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड लाइक हैंडलर अगेंस्ट दैट, और मज़ीद कुछ बोनस ऐड कर सकते, स्ट्रॉ ऐड कर सकते हैं, लिड एक्स्ट्रा लिड ऐड कर सकते हैं. So extra innovation is very important rather than just copy and pasting the top guys, top seller ko copy kiya and then just say ji ke ye product jo hai I should be selling from now onwards. That's not how it's gonna work. So this is just a copy paste. So we need to come up with some innovative and innovation. Ke being as a user, aap obviously if you are selling in international market na, matlab usme aapko apne aap ko understand karna hoga ke log kya sochte hain wahan pe. आपको रिसेंट सर्वेस देखने होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, देखना होगा कि बाइंग पावर क्या है लोगों की. सो मतलब यू नीड टू लुक सो मेनी थिंग्स एज वेल, नॉट जस्ट द ट्रेंड ऑब्वियसली, बट यू नीड टू सी के बाद में अगर मैंने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, देन हाउ, व्हाट काइंड ऑफ ईमेल्स आई शुड बी सेंडिंग टू देम, व्हाट काइंड ऑफ चेजर ईमेल आई शुड गो आउट, मतलब यू आर ऑब्वियसली कम्युनिकेटिंग विद दैम. अगर हम उससे रिव्यू चेज कर रहे हैं, वो किस तरह से चेज कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन लेवल होगा, मतलब अगर आप 60 साल के लोगों को चेज कर रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड. ये सारी चीज़ें देखनी होंगी. एंड ऑब्वियसली वी नीड टू एंगेज दोज पीपल थ्रू सोशल मीडिया. मतलब डोंट जस्ट लीव योर कस्टमर्स, अगर उसने बाय कर लिया, डोंट जस्ट फोकस ऑन सेल, वी नीड टू फोकस ऑन रिपीट कस्टमर्स. रिपीट कस्टमर्स हमेशा एक्चुअली अगर हम देखें एज पर द सर्वे के जो 60 to 65 पीपल एक्चुअली बाय फ्रॉम द सेम ब्रांड, अगर वो खुश हैं उससे, तो अगर आप मज़ीद प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं दे विल बाय अगेन फ्रॉम यू एंड आल्सो टेल अदर्स एज वेल. सो इट्स जस्ट मोर ऑफ अ ब्रांड बिल्डिंग एज वेल. सो नीड्स टू फोकस ऑन कि मैंने अगर कोई कस्टमर मेरे से बाय कर गया, कस्टमर इज़ द किंग, ये समझा करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट continue to focus on new sales. That's not how the brand actually gets built up. So or
मतलब बड़ी मार्केट जाने से पहले छोटी छोटी मार्केट्स को स्टार्ट करें, अंडरस्टैंड करें, शॉपिफाई का कुछ स्टोर बनाएं, एटलीस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स rather than just go directly to the international biggest market and then say ji ki pata nahi kya ho raha hai and kya nahi. So because it's such a vast and such a fast moving marketplace Amazon, us pe people are obviously making crazy money, and if you are aiming to make those crazy money then you need to be prepared for it. Ye bilkul wo changa manga wali kahani bilkul nahi hogi ki maine thoda sa time spend kar liya shuru mein and then just start getting the sales. वो कुछ लोगों की luck होती है, but you need to make sure कि हम इसको fully focus के साथ जाएं. With passion, dedication is very very important against that. Proper research चाहिए अपनी product के against. मतलब और बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है कि जी मेरा जो images हैं वो कैसे हैं, presentable हैं कि नहीं presentable हैं. आपने देखना है कि अगर मेरी जो, अगर हम देखें Amazon की जो transactions है इस वक्त 63% ऑफ पीपल बाय फ्रॉम मोबाइल अमेजोन की वेबसाइट्स. तो हमने देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो मेरा मोबाइल में कैसा लगता है. छोटी छोटी चीज़ों को आपने नोट करना है. आपने देखना है कि जी मतलब डेली आप देखा करें मेरे सेशंस कितने आ रहे हैं, मेरी ट्रैफिक क्या है, मेरा एनालिसिस ओबीसी प्रोडक्ट का कैसा हो रहा है क्या नहीं. रादर देन जस्ट कंटिन्यू टू focus on giveaways and reviews and all that, that's okay, but actually side by side we must focus on learning the art of selling. ke maine agar apni product ko sale kar raha hu to mujhe usko sale karne ka art bhi aana chahiye, because technically it's kind of your shop, right? So dukaan mein jab koi aaya to aapne usko khud to bol nahi rahe, but usko is tarah se banana hai ki wo banda khud sab kuch samajh jaye rather than actually going around the circles basically. तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें शुरू से, रादर देन गो विद द बिगर मनी. सो अंडरस्टैंड इट एंड देन बिल्ड स्टेप बाय स्टेप. तो होप इट जस्ट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस, बट आई विल कंटिन्यू टू मेक सम टॉपिक्स अबाउट दिस के लर्न के बेचना, हर बेचने के लिए आपको सीखना होगा कि कैसे बेचना है. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट adding the product and expect to sell. So until then, Allah.